इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है द स्पेसिफाइड लोकेशन डज नॉट क्रिएट एन इंफॉर्मेशन अबाउट योर हार्डवेयर। देखिए, इस तरीके से अगर आपको इमेज के बैकअप में इशू आता है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो एरर लिखा हुआ आ रहा है ये आपको कहीं पर भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन हमारा मेन टॉपिक ये है बैकग्राउंड में जो चीज़ चल रही है उसके सोल्यूशन की बात करना कि ऐसा ऐसे लिखा हुआ क्यों आता है। सबसे पहले ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर जब हम एडवांस्ड ऑप्शन में जा रहे हैं, इंस्टॉल ए ड्राइवर, आप यहाँ पर देख लीजिए कि पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहले तो इस चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पर बैकअप लेते हैं तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको लोकेट करना पड़ता है अवेलेबल इमेज के लिए बैकअप जो होता है, और ये पेन ड्राइव वगैरह जो हार्ड ड्राइव वगैरह है उनसे यूज़ कर सकते हैं आप। अभी यहाँ पर इंसर्ट्स द इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर द डिवाइस एंड ओके टू ड्राइवर, यहाँ पर ओके करते हैं तो होता कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिस्टम हमारा नहीं ढूंढ पाता है। हम सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टोरेज को, देखिए यहाँ पर स्टोरेज USB ये रही, यहाँ से उसको स्टार्ट लेना है और वहाँ पर टाइप करके लिखा हुआ आता है विंडोज़ बैकअप। ठीक है, विंडोज़ बैकअप या इस तरीके से कुछ भी हो वो वहाँ पर लिखा हुआ आता है। अब ये आता कैसा है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ विंडोज़ को, और ये हमारा ओपन हो चुका है। दोबारा से हम पासवर्ड वगैरह इसमें एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम अपने इसमें जाते हैं सर्च में, तो कंट्रोल पैनल को सर्च कर लीजिए। कंट्रोल पैनल को सर्च करने के बाद इसे यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर अपना जो है या तो पेन ड्राइव लगाना होगा, और आपको पेन ड्राइव भी वो लगाना है जो फैट 32 ना हो, ठीक है, NTFS हो, तो ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं, इस पर रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप फिर जाइए यहाँ पर फाइल हिस्ट्री के अंदर, देखिए यहाँ पर स्मॉल आइकन लगा लीजिएगा, लेकिन पहले यहाँ पर स्मॉल आइकन लगाने के बाद यहाँ पर फाइल हिस्ट्री में जाइएगा। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर आपको फिर उसमें सिस्टम इमेज बैकअप पे जाना पड़ेगा। सिस्टम इमेज बैकअप पर जब आप जाएंगे तो ऊपर यहाँ पर क्रिएट सिस्टम इमेज आपको दिखाई दे जाएगी, इस पर जाना है एंड यहाँ से ये चलेगा। उसके बाद आपको क्या दिखाता है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये क्रिएट होगा। अब जो हमारी हार्ड डिस्क है वो यहाँ पर NTFS को सपोर्ट नहीं कर रही, इस वजह से हम इसको नहीं कर सकते, और यहाँ से बैकअप लेकर फिर हम उसको वहाँ पर इजीली सिलेक्ट कर सकते थे अपने जो स्टार्टिंग विंडोज़ का ऑप्शन था। तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और देखिए समझ में आ गया है, और मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो कोई मिस्टेक हो जाती है हर इंसान से, लेकिन आपको लगता है बंदे से मिस्टेक हुई है, मुझसे मिस्टेक हुई है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर और सोल्यूशन लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।